सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया समाजवादी पार्टी को फिर नया नाम। बहराइच में जनसभा को संबोधित करते क्या बोल गए सीएम योगी, जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। चुनावी मौसम में तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगा ही रहता है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो तो वो इसमें भी दो कदम आगे ही रहते हैं। यूं तो वो यूपी में अपने सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंदी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी पर आए दिन हमले करते ही रहते हैं, लेकिन मंगलवार 22 फरवरी को सीएम योगी ने बहराइच में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी को एक नया नाम दे डाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर अपनी सरकार में माफिया और आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव की तुलना रामायण के लंकेश यानी रावण से कर दी। सीएम योगी ने कहा, भाइयों बहनों, ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पढ़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा लंकेश, इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। दरअसल सीएम योगी ने अखिलेश को दंगेश बुलाते हुए उनकी सपा की सरकार में हुए दंगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। इसके साथ सीएम योगी ने अपने नामकरण की मुहिम में अखिलेश यादव को दंगेश बताकर एक नई बहस छेड़ दी है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब सीएम योगी ने कुछ ऐसा कहा हो। इससे पहले भी वह अखिलेश यादव को बबुआ और उनकी समाजवादी पार्टी को तमंचावादी पार्टी बता चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 चरणों का चुनाव पहले ही पूरा हो चुका है और 4th चरण का चुनाव आज यानी 23 फरवरी को जारी है। वही प्रदेश के 7 चरणों के विधानसभा चुनाव का परिणाम 10 मार्च को सामने आने वाला है, लेकिन इस प्रकार की तीखी बयानबाजी से जनता को चुनावी मौसम का पूरा मजा मिल रहा है। तो अभी के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे देशहित न्यूज़। धन्यवाद।